दोस्तों नमस्कार, मैं डूंगर सिंह महाराज म्यूजिक स्कूल से आपका स्वागत करता हूं। और अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, इस भजन की तर्ज पे ये सीरीज चल रही है। आप जानती हैं मैं 3 भजन डाल चुका हूं। पहला भजन अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, और दूसरा भजन मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, और तीसरा जो है यदि नाथ का नाम दयानिधि है, और चौथा भजन जो मैं आज डालने जा रहा हूँ वो बहुत ही प्यारा भजन है, मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में। बहुत ही मधुर भजन है। और ये भजन दोस्तों मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आप हर जगह हर माहौल में ये भजन गा सकते हैं। गाना भी बहुत सरल है, और ऐसे 2 भजन और बाकी रहेंगे, 2-3 भजन, वो भी मैं कंटिन्यूशन सप्ताह भर में डाल दूंगा। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि लाइक करें, शेयर करें। हो सकता है कि आप संगीत की दुनिया में ऊपर स्तर में पहुंच चुके होंगे, ये स्तर सीखने वालों के लिए है, या आप भी सीख रहे हैं और आप इस स्तर से कुछ आगे चल रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरा वीडियो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, तो अन्य किसी को फायदा होगा। तो आपके लाइक और शेयर करने से मेरा यह वीडियो YouTube पर चलेगा, तो उन लोगों को जिनको जरूरत है या इस स्तर पे वो वीडियो ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए मैं साधारण सरल तरीके से समझाने का ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उन तक ये पहुँच पाएगा। इसलिए कृपया शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप कोई नए हैं बंधु जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मैं आपको हारमोनियम पे ले चलता हूँ। दोस्तों मैं आपको ये सी साहब से बता रहा हूँ, आसावरी थाट में है। ग ध नी, ये 3 स्वर जो हैं कॉमन हैं, और मंद्र सप्तक का नी भी इसमें कॉमन लगेगा। अंतरे में ध शुद्ध का प्रयोग भी होगा। सिर्फ 1.5 लाइन सीखनी है, स्थाई की 1 लाइन, और उसी के अनुरूप स्थाई की दूसरी लाइन चलेगी, और अंतरे की 1 लाइन उसी के अनुरूप दूसरी लाइन चलेगी, फिर वही भगवान तुम्हारे चरणों में उसके स्वर लगेंगे, फिर वो ही मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, ये स्वर लगेंगे। मैं आपको एक बार ये भजन गा के सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको नोटेशन बताऊँगा। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान आपके चरणों में, भगवान आपके चरणों में, भगवान आपके चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान आपके चरणों में। ये स्थाई था, इसमें मुझे दास ब, इसमें क्या लगा है, मुझे दास सारे सा नी सा बना कर साग मग बना कर रख लेना, रख लेना, रख पप लेना, निधप लेना। उसके बाद भगवान तुम्हारा
तुम्हारे चरणों में भगवान, तुम्हारे चरणों में। देखिए, मुझे दास बनाकर साग मग बनाकर रख लेना पनिधप भग पग पध पमग भगवान तुम्हारे गग मग पम तुम्हारे चरणों में गरे सा। ये स्थाई हो गया। इसी तरह भगवान तुम अपने चरणों में, उसको ऊपर से बोले तो इस तरह से भगवान भगवान तुम्हारे चरणों में, नी नी भगवान तुम्हारे धपम तुम्हारे चरणों में, चर पप नो में धन निधस प चरणों में भगवान पमग भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। ये भगवान तुम्हारे चरणों में, वो पहले जो है वही है, मुझे दास बना के रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में, सेम है। अब इसकी पहली जो कड़ी है, मैं भला बुरा हूं तेरा हूं, मैं भला बुरा हूं नी 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 धपम, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ तेरा हूँ पनिधप, ये हर बार आएगा पनिधप तेरा हूँ। इसको आप दो बार भी बोल सकते हैं, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। आगे आधी लाइन सेम इसी तरह है, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे तेरे द्वार पे वो का वो नी 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 धप धप म, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ डेरा निधप डेरा हूँ, तेरे द्वार पे भगवान तुम्हारे चरणों में। इसी तरह तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर मुझे दास मुझे चाकर जान के रख लेना। वैसी वैसे है कैसे, मुझे दास बनाकर रख लेना, सेम वही, मुझे चाकर जान के रख लेना
भगवान तुम्हारे चरणों में। बस आपको एक लाइन तो वो सीखनी है, मुझे दास बना कर रख लेना, दूसरी भगवान तुम्हारे चरणों में, आधी आधी लाइन है। और फिर एक लाइन में, भला बुरा हूं तेरा हूं, मैं भला बुरा हूं तेरा हूं। फिर तेरे द्वार पे डाला डेरा हूं, मुझे मुझे चाकर जान के रख लेना, भगवान आपके चरणों में। इसमें एक कड़ी और है, जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसने भी नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है। इसको वापस कनेक्टिविटी देने के लिए, उसमें भी नाम हमारा है, इसको भगवान तुम्हारे चरणों में, इस तरह के स्वर, वही स्वर लगेंगे, से एक बार यहां से बजाना है। वापस देख लीजिए, जब अधम से अधम उबा, अधम से अधम को तारा है, अधम से अधम को तारा है, उसमें भी नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है, मुझे मुझे चाकर मुझे भार समझ कर रख लेना, भगवान आपके चरणों में। मुझे मुझे चाकर जान के रख लेना, जो पहले लाइन बजाई थी उसी तरह बजेगी है, मुझे भार समझ के रख लेना, रख लेना, भगवान आपके चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान आपके चरणों में। इस तरह से ये भजन पूरा हुआ, और आगे भी मैं इसी तर्ज के आधारित दूसरे भजन भी लाऊंगा, जिसमें एक भजन है, राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। एक और है, श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। तो इस प्रकार ये चौथा भजन हो गया है सेम तर्ज का। पहले मैं अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, दूसरा मिलता है सच्चा सुख भगवान तुम्हारे चरणों में, और यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी कभी, और ये चौथा भजन जो है, मुझे दास समझ कर रख लेना भगवान आपके चरणों में। पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां भी हो सकता है। मैं एक ही धुन के जितने भी भजन मेरे ध्यान में है, मैं आप सभी को सभी भजन के नोटेशन सहित सरलतम ढंग से आपको बताऊंगा। अगला वीडियो हमारा जो है वो मैंने बताया, उनमें से किसी एक पर होगा,
और आप सभी से अनुरोध है कि मैं अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप पुराने हैं संगीत में हमसे आगे बढ़ चुके हैं, जिस जगह पे मैं सिखाने का कार्यक्रम कर रहा हूँ इससे आगे बढ़े हुए हैं, तो भी आप से अनुरोध है कि आप अन्य लोगों के भलाई के लिए यह वीडियो लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।